तुलसी जी के पास एक बार दिया जलाने से कौन सा पुण्य मिलता है? तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से लोगों को क्या प्राप्त हुआ? और सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक एक महिला की है जिसने सिर्फ एक बार दिया जलाकर अपने सभी पापों को दूर कर लिया। कहानी कहती है कि सालों पहले एक महिला थी जिसका विवाह एक ऋषि से हुआ था, लेकिन उसके अपने कार्य बहुत संत जैसे नहीं थे। उसका व्यवहार और शिष्टाचार कभी भी उसके पति के व्यवहार से मेल नहीं खाता था और समय के साथ उसे जंगलों में निर्वासित कर दिया गया था। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब उसने अन्य महिलाओं के साथ एक आश्रम में शरण ली। जब तक वह वहां रहती रही, उसने कभी भी अन्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाले किसी भी अनुष्ठान में भाग नहीं लिया। एक दिन उसने कुछ लड़कियों को तुलसी के पौधे के पास प्रार्थना करते और दिया जलाते देखा, और फिर शाम को उसने भी ऐसा ही किया। दुर्भाग्य से उसी दिन उसके शरीर में भयंकर दर्द हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज के लोग उसे लेने आए तो विष्णु जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह नरक में नहीं जाएगी। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि चूंकि उसने तुलसी के पास दिया जलाया है इसलिए उसके पाप मिट गए हैं और उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। व्यक्ति तुलसी के पौधे के पास एक बार भी दिया जलाता है, वह अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। वास्तविक जीवन में भी जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो पुजारी या परिवार के सदस्य मृतक को सुरक्षित स्वर्ग में जाने में मदद करने के लिए उसके मुंह में तुलसी के पौधे की एक या दो पत्तियां डालते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा मोक्ष प्राप्त करे और भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि तुलसी पवित्र है और आत्मा को शुद्ध करती है, जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने में मदद करती है। दोस्तों, कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।